आकाशवाणी है। कोविड 19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत प्रस्तुत है कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता सिद्धार्थ सिंह। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं डॉक्टर तन्मय तालुकदार। नमस्कार श्रोताओं, आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा कोरोना जागरूकता श्रृंखला के इस विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है और आज के संघ के साथ मैं हूं सिद्धार्थ सिंह। कहते हैं इम्तिहानों के दौर ने बना दिया एक नया भीरा मुझे, न खाते ठोकरें तो आज वजूद एक मामूली पत्थर सा होता। जी हां श्रोताओं, कोरोना के इस दौर में जिंदगी में बहुत सी चुनौतियां आ गई हैं और इन्हीं चुनौतियों का मुकाबला करते हुए जिंदगी जीना अब हमें और मजबूत बना रही है। श्रोताओं, कोरोना को लेकर आपके मन में चल रहे तमाम सवालों का जवाब देने के लिए और इस पर चर्चा करने के लिए आज के इस विशेष फोन इन कार्यक्रम में हमारे साथ हैं लेडी हार्डिंग्स मेडिकल कॉलेज के रेस्पिरेटरी डिजीज डिपार्टमेंट के प्रमुख प्रोफेसर डॉक्टर तन्मय तालुकदार। डॉक्टर तन्मय नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आप सबको मेरा नमस्कार। श्रोताओं, आप कोरोना से संबंधित सवाल हमारे आज के एक्सपर्ट से टोल फ्री नंबर 1800115767 और 01233144444 पर पूछ सकते हैं। आप हमारी ट्विटर हैंडल @AIN News पर #AskAIR पर भी अपने सवाल पोस्ट कर सकते हैं। डॉक्टर तन्मय, सबसे पहले आज हम अब चर्चा करेंगे WHO की कल जारी रिपोर्ट से। अगर हम उस पर एक नजर डालें तो WHO ने दुनिया को चेतावनी दी है कि कोरोना महामारी का विश्व में बुरा असर हो रहा है और भविष्य में सामान्य स्थिति की बहाली नहीं हो पाएगी। WHO के महानिदेशक टेड्रोस अधनोम गेब्रेयेसस ने कहा है कि कई देशों में कोरोना वायरस की स्थिति बदतर होती जा रही है। उन्होंने देशों से महामारी से निपटने के लिए व्यापक रणनीति तैयार करने का आह्वान किया। उन्होंने इस बात को भी नोट किया कि संक्रमण के सभी नए मामलों में आधे मामले अमरीका में हैं। उनकी टिप्पणी ऐसे समय में आई है जब अमरीकी राज्य फ्लोरिडा में एक ही दिन में सबसे अधिक 15,000 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई है। आप इस संदर्भ में भारत की स्थिति को कैसे देखते हैं, क्योंकि अगर अपने श्रोताओं को आज के आंकड़ों को अगर हम एक बार उनसे शेयर करें तो हम ये देखते हैं कि देश में कुल 5,71,000 से ज्यादा लोग कोरोना वायरस से संक्रमण मुक्त हो चुके हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि संक्रमित लोगों के मुकाबले स्वस्थ हुए लोगों की संख्या 1.8 गुना से ज्यादा, यानी ये कहें कि लगभग 2 गुना है। कैसे कुछ देखेंगे इस स्थिति को आप? देखिए सिद्धार्थ जी, सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि ये सब तुलनात्मक स्थिति है और तुलना करने के लिए हमें जनसंख्या को जानना अत्यंत आवश्यक है। और हम सब जानते हैं कि भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा जनसंख्या के मामले में, करीब 135 करोड़ के आसपास भारत की जनसंख्या। अब ये कोरोना वायरस जो है ये एक नया वायरस है, इसीलिए इसका नाम नोवल कोरोना वायरस था शुरू में। तो जाहिर है कि इससे हमारी रोग प्रतिरोधक शक्ति जो है, एबिलिटी टू फाइट द डिजीज, काफी कम है। और जब भी किसी देश में ये आएगा तो बीमारी तो होनी ही है कुछ कुछ लोगों को, परंतु हमें ये समझना है कि हिंदुस्तान ने कैसे किया। और आपने क्योंकि अमेरिका की बात की, तो अगर हम तुलना करें, हमारी जनसंख्या हम जानते हैं वहां की जनसंख्या करीब 34 करोड़ के आसपास, तो कितना ज्यादा फर्क है। और अगर हम मृत्यु, क्योंकि हर एक मृत्यु दुखद है, परंतु अगर हम उसकी तुलना भी करें तो देश के भारत में हम जानते हैं करीब 23,000 से अधिक मृत्यु हो चुकी है, जबकि अगर वही तुलना हम अमेरिका से करें तो 1,38,000 से भी अधिक। और अगर टोटल केसेस देखें तो हमारे यहाँ 9 लाख कहा जाता है और अमेरिका में 35 लाख। लेकिन यहां मैं एक चीज आपके श्रोताओं को बताना चाहूंगा कि ये 9 लाख की संख्या को ना देखते हुए हमें गौर करना चाहिए उन संख्या पे जो अभी भी कुछ हद तक बीमार है, क्योंकि उन्हें ही एक्टिव केयर की आवश्यकता होती है। बिल्कुल, अभी 3,11,000 लोग हैं। बिल्कुल बिल्कुल, तो 3,11,000। और अमेरिका की अगर हम संख्या देखें, वहां की मृत्यु देखें, तो जाहिर है भारत बड़ा देश है तो यहाँ देखने में नंबर्स बड़े लगते हैं, परंतु अगर हम पर वन मिलियन यानी 10 लाख जनसंख्या में अगर हम तुलना करें तो हमारी जो स्थिति है, अभी भी ये जंग जारी है परंतु औरों से कई हद तक कई गुणा बेहतर है। हमारे यहाँ जो 1 मिलियन पे केसेस है वो काफी हद तक कम है। फॉर एग्जांपल, हमारे यहाँ मौतें 17 के आसपास हैं पर मिलियन, यानी हर 10 लाख पे, जबकि वही अमेरिका की, क्योंकि हम बात कर रहे हैं, वह 400 से ऊपर है। सो ये एक उदाहरण है जो हमें ये बताता है कि हमें ढील तो नहीं देना है, परंतु अब तक जो कर रहे हैं हम लोग उसको और अच्छे से आगे करते रहना है।
और डॉक्टर तन्मय, जिस तरह से भारत ने इस पूरी महामारी का जिसे कहना चाहिए कि जो मैनेजमेंट किया, उस पर भी WHO की कई बार प्रतिक्रिया आई है और कई बार WHO ने बाकी देशों के कंपैरिजन में हमारे देश की सराहना की है। हेलो, हाँ, मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल बिल्कुल जी, हम WHO की डॉक्टर से बात कर रहे थे और ये कह रहे थे कि बाकी देशों के मुकाबले हमारे देश में जिस तरीके से उसको मैनेज किया है उसको लेके WHO ने कई बार सराहना की है। और हालांकि अपनी कल रिपोर्ट में भी डॉक्टर टेड्रोस ने जो कोरोना संक्रमण के प्रसार पर नियंत्रण पाने में जो एशिया की सबसे बड़ी बस्ती धारावी की उन्होंने बात की, उन्होंने एक रोल मॉडल धारावी के जो जिस तरह से मैनेज किया गया उसको बताया, क्योंकि जब वहां लगभग 10 लाख लोग रहते हैं और उन्होंने COVID-19 पर काबू पाया जो कि दुनिया के लिए एक मिसाल उदाहरण है, तो आप कंटेनमेंट जोन्स के लोगों को क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके से वो मैनेज करें? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जहां पे ये केसेस ज्यादा हो रहे हैं और जिसको सरकार कंटेनमेंट जोन के नाम से जानती है, वहां पे ये 3T वाला प्रोटोकॉल जो फॉलो किया जाता है, पूरे देश में ही अब ये हो रहा है। सबसे पहले टेस्ट करें, फिर ट्रैक करें और फिर ट्रीट करें। इसको मैं थोड़ा सा विस्तार से बताना चाहूंगा कि पहले ये होता था कि मरीजों को अस्पताल तक आना पड़ता था, परंतु अब कंटेनमेंट जोन की क्योंकि बात आपने की है तो स्वास्थ्य व्यवस्था वहां तक, कंटेनमेंट जोन तक, लोगों के घरों तक पहुंच रहा है। लोगों को घर घर जाके जांच के लिए बुलाया जा रहा है। उसके क्राइटेरियाज हैं, ICMR ने क्राइटेरिया बनाया हुआ है इन्फ्लुएंजा लेकिन लेस के मरीजों को या हाई रिस्क कॉन्टैक्ट में, उसमें हम ना जाते हुए लोगों को घर घर जाके जांच करी जा रही है। जो पॉजिटिव आ रहे हैं उनको आइसोलेट किया जा रहा है, उनके कॉन्टैक्ट को ट्रेस किया जा रहा है, यानी ढूंढा जा रहा है कि वो किस किस के समक्ष आए हैं पिछले 14 दिनों में, फिर उनकी जांच हो रही है। और एक और जो बहुत अच्छी बात हुई है वो है पॉइंट ऑफ केयर टेस्ट की, जो जांचें वहीं पे हो सकती है, एंटीजन टेस्ट, उसमें भी काफी बदलाव आया है कि जल्दी रिपोर्ट मिलता है और वहीं पे जहां पे कंटेनमेंट जोन है उसके पास ही जांच हो रही है। और फिर आखिर में ट्रीटमेंट सबको दिया जा रहा है। और ट्रीटमेंट में अच्छी बात तो हम कई दिनों से कोविड में सभी जानते हैं कि अधिकतर लोगों को बहुत ज्यादा ट्रीटमेंट के लिए सपोर्टिव मदद की जरूरत पड़ती है। बस उन्हें ये ध्यान रखना होता है कि वो खुद को बचाए रखे और किसी दूसरे को ये बीमारी ना दे। कई लोग तो होम आइसोलेशन में भी रह रहे हैं। सो अगर हम ये टेस्ट, ट्रैक और ट्रीट वाला कॉन्सेप्ट जो है उसमें काफी कंटेनमेंट जोन्स में, आपने धारावी का उदाहरण दिया, वहां तो अवश्य हुआ है, दूसरी जगह भी इसका अत्यंत लाभ मिल रहे हैं। और डॉक्टर तन्मय, अभी हम देख रहे हैं कि ज्यादातर राज्यों में इस समय फेज वाइज लॉकडाउन भी लगाया जा रहा है, कहीं पे वीकेंड्स में कर रहे हैं, कहीं पे एक हफ्ते के लिए कर रहे हैं, तो कुछ टुकड़ों में लॉकडाउन की व्यवस्था की जा रही है। तो बहुत सारे श्रोता इस बात को लेकर उनके सवाल उनके मन में है कि अब इस तरह से छोटे छोटे फेजेस में जब हम लॉकडाउन करते हैं तो उसके क्या फायदे होते हैं? देखिए, हमें ये समझना होगा क्योंकि वो पूरे देशव्यापी लॉकडाउन अब चला गया है और हम इकोनॉमिक उसकी तरफ बढ़ रहे हैं, अपनी साधारण जिंदगी की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। परंतु इसमें एक जरूरी बात यह हो जाती है कि हम देश के नागरिकों की जिम्मेदारी, जो साधारण नागरिक हैं उनकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि जो बताए गए दिशा निर्देश हैं उसका पालन करें। और ये छोटे छोटे लॉकडाउन डिपेंडिंग ऑन नंबर ऑफ डिजीजेस, वहां कितने केसेस पाए जा रहे हैं उसके हिसाब से लोकल एडमिनिस्ट्रेशन डिसाइड करती है। इससे मेरा अनुरोध रहेगा कि दिए गए दिशा निर्देश का अपने अपने इलाकों में पूरी तरह से पालन करें। ये जो बीच में कहीं कहीं ढील नजर आती है लोगों के मन में कि अब तो लगता है ये लड़ाई हो गई है, अब ये चीज आगे निकल गई है, हमें उससे सावधान रहना, ये लापरवाही से सावधान रहते हुए बताए हुए दिशा निर्देशों का पालन करना। अगर हम लॉकडाउन वाले इलाके में हैं तो वहां के नियम अलग हैं, अगर हमारे इलाके में लॉकडाउन नहीं है तो जो बेसिक प्रिवेंटिव स्टेप्स हैं जो हमेशा बने रहेंगे जब तक कोविड की वैक्सीन ना आ जाए या कोविड के लिए कोई स्पेसिफिक मेडिसिन ना आ जाए, वो है सोशल डिस्टेंसिंग या फिजिकल डिस्टेंसिंग, वो हमें बनाए रखना है, सबसे जरूरी है। मास्क हमें पहनते रहना है और आवश्यकता ना हो, जरूरत ना हो तो घर से बाहर या कहीं भी बाहर नहीं जाना है। और तीसरी चीज, हाथ धोते रहना है, हैंड हाइजीन, रेस्पिरेटरी एटिकेट्स एंड फिजिकल डिस्टेंसिंग। ये तीन फाउंडेशंस पे ये लड़ाई हमारी हो रही है। और हम अगर लापरवाही ना करें और इन चीजों का ध्यान रखें तो धीरे धीरे कोरोना पे विजय अवश्य पाएंगे। जी डॉक्टर तन्मय, बहुत महत्वपूर्ण बात आपने हमारे सुनने वालों से शेयर की है। और आपसे चूंकि आप
इस प्रोफेशन में हैं और रेस्पिरेटरी डिजीज जो डिपार्टमेंट है उसको हेड करते हैं, तो एक चीज और आपसे जानना चाहेंगे कि WHO की एक रिपोर्ट और चर्चा में है कि जिसमें कोरोना के एरोसोल से भी यानी हवा से संक्रमण के फैलने की चर्चा थी। हालांकि अभी इस पे WHO की विस्तृत रिपोर्ट आना बाकी है, लेकिन क्या कुछ आप शुरुआती जो जांच है या जो पता चला उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये वायरस पहले से ही जानते थे कि कैसे फैलता है, ड्रॉपलेट्स के तरीके से फैलता है, यानी हम जब बोलें, खांसें या छींकें तो वो जो पानी वाला पदार्थ जो मुंह से निकलता है वो कोई दूसरा उसको सांस में अंदर ले ले या फिर आंखों में या नाक में मुंह में चला जाए तो फिर ये बीमारी फैलती है। आपने जो पूछा एरोसोल के बारे में कि छोटे छोटे कण ड्रॉपलेट से भी छोटे वो हवा में घूमते रहते हैं कि नहीं, इसमें मैं ये बताना चाहूंगा कि पहले भी ये जानकारी थी कि कुछ मेडिकल प्रोसीजर्स जो हम डॉक्टर लोग करते हैं वहां पे एरोसोल जनरेट होता है और वहां पे थोड़ा सा और अधिक हमें सिक्योरिटी लेना होता है। WHO ने भी इस तरफ इंडिकेट किया है कि अगर वेंटिलेशन अच्छा नहीं है, छोटा कमरा है, बहुत भीड़भाड़ है और एक ही कमरे में लोग बेसिक प्रिकॉशंस नहीं ले रहे, यहां पे मैं घूम के उसी प्रिकॉशन पे आऊंगा कि अगर हम मास्क पहने रहें और दोनों अगर दो लोग हैं, मतलब एक इन्फेक्टेड पर्सन और उसके सामने वाला नॉर्मल पर्सन, तो वो रिस्क नहीं है। वैसे भी तो हमारे यहाँ हम बोल ही रहे हैं ना कि दो गज की दूरी बनाए रखनी है जो एक मीटर से काफी ज्यादा है। सो अगर हम ऐसे प्रिकॉशंस लें, वेंटिलेशन ध्यान रखें, भीड़ भाड़ ना करें और अपने घर के बाहर किसी भी क्लोज एरिया में आए तो मास्क अवश्य अवश्य पहने, और इसमें दोनों का यानी सभी का मास्क पहनना अत्यंत आवश्यक है। ये मैं बताना चाहूंगा कि जो इन्फेक्टेड है, क्योंकि हमें पता नहीं होता ना एसिम्प्टोमेटिक कैरियर है कि नहीं हम, इसलिए कौन बीमार है या किसमें वायरस है वो पता नहीं चल पाता कई बार, इसीलिए मान के चलें कि हमें हर स्थिति में बचाव करना है। जी डॉक्टर अन्मय, और इसके बाद हमारे बहुत सारे श्रोता हैं जो हमसे जुड़ रहे हैं और आपसे प्रश्न पूछना चाह रहे हैं। सबसे पहले हम रुख करते हैं मध्य प्रदेश में भिंड का, जहां से हमारे साथ जुड़ चुके हैं करण सिंह जी। हेलो करण जी, नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है, अपना सवाल पूछिए। नमस्कार साहब, मैं करण सिंह कुशवाहा बोल रहा हूँ, ग्राम रायपुरा से, मध्य प्रदेश। जी अपना सवाल पूछिए। जो भैंसे रखे हुए मैं पालतू, वे जंगल में चराने ले जाते हैं, तो क्या उनसे कोरोना हो सकता है सर? जी डॉक्टर साहब, बहुत तरह के हमारे दूर सुदूर क्षेत्रों में जो श्रोता बैठे हुए हैं वो भी हमसे सवाल करते हैं, और ऐसे में क्या जानवरों से संक्रमण हो सकता है, जिसे हम जीनोसिस भी कह सकते हैं, कि जानवरों से मनुष्य में संक्रमण हो सकता है? देखिए, ये बहुत ही अच्छा सवाल है और हमें ये समझना होगा, क्योंकि शुरुआत में तो जरूर जानवर की बात हुई थी और इसे जूनोटिक डिजीज ही कहा जाता है जी। ये कोरोना वायरस जो है इंसान में जो पाए जाते हैं बेसिक, जो नॉर्मल चार प्रकार के कोरोना वायरस, और बाद में आया मर्स और फिर उससे पहले आया था सार्स, ये छह कोरोना वायरसेस इंसान में हुआ करते रहे हैं। लेकिन ये वाला जो नया नोवल कोरोना वायरस है वो जानवरों से इंसान में आया, ये बात तो सही है, परंतु इनका सवाल था कि क्या अभी हमारे देश में इसका कोई खतरा है कि जानवरों से हमें ये इन्फेक्शन हो, तो अभी तक ऐसा कोई सबूत नहीं है। और निश्चिंत रहे, वो आराम से अपने जानवरों को चढ़ाने बाहर ले जा सकते हैं, परंतु इनफैक्ट जब वो बाहर जाएंगे तो वहां भीड़ भाड़ कम होगी, वहां इन्फेक्शन की संभावना और कम होगा, लेकिन जब वो वापस आएंगे अपने गांव में या अपने पॉपुलेटेड एरियाज में, तो वहां पे वही बचाव के नियम उन्हें पालन करना है जिसके बारे में हम बात कर चुके हैं। और अब हम मध्य प्रदेश के बाद रुख करते हैं उड़ीसा का, जहां से हमारे साथ जुड़ चुके हैं अब्दुल खालिद साहब। अब्दुल साहब नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। हेलो अब्दुल जी, आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? जी जी, आप अपना सवाल पूछिए। जी नमस्ते जी, नमस्कार, आपकी आवाज आ रही है अब्दुल जी। डॉक्टर साहब, हमको 65 साल उम्र है जी, आज डायबिटीज है, सांस लेने में और तकलीफ होता है, इसमें कोरोना है क्या? जी डॉक्टर साहब, 65 साल उम्र है, सांस लेने में तकलीफ है, डायबिटिक है, क्या कोरोना हो सकता है? ये एक थोड़ा सा सवाल ऐसा है कि जिसमें हमें थोड़ा आगे जाना पड़ेगा। देखिए, हमें ये समझना है कि कोरोना जो है ये एक्यूट डिजीज है, यानी बहुत ही छोटे समय में जो आ जाता है, 7 से 10 दिन का इसका टोटल ड्यूरेशन रहता है, यानी अगर इनको सांस लेने की समस्या महीनों से या सालों से हो रहा है, डायबिटीज भी है, तो शायद इसका कोई दूसरा कारण हो सकता है। परंतु ये भी मैं बताना चाहूंगा कि डायबिटीज जो है वो हाई रिस्क बीमारी है कोरोना के लिए,
और इसीलिए अगर डायबिटीज के मरीज को नया सांस फूलना या बुखार ज्यादा आना या कोरोना के जो दूसरे लक्षण हैं सूखी खांसी, बाद में कभी कभी बलगम, पूरे शरीर में दर्द होना, कमजोरी आना, आजकल डायरिया भी ज्यादा पाया गया है कि दस्त होना या फिर सूंघने की या स्वाद की क्षमता थोड़ी सी कम हो जाना, अगर ऐसा कुछ हो रहा है एक डायबिटीज मरीज में तो फिर अवश्य ही कोरोना को ना समझते हुए डॉक्टर की सलाह ली, ये ना खुद मान ले कि हाय मुझे कोरोना हो गया, भयभीत बिल्कुल नहीं होना है, अपने निकटतम स्वास्थ्य केंद्र या उसकी मदद लेनी है और या फिर टोल फ्री नंबर्स की मदद ले सकते हैं अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल में या राज्य का जो नंबर है या राष्ट्रीय टोल फ्री नंबर का मदद लें। डॉक्टर तन्मय, आपने जैसे सांस की बात हो रही थी और कोरोना में अक्सर हम ये देखते हैं कि जो ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल है वो काफी कम हो जाता है, किसकी जो बेसिक प्रॉब्लम है, तो उसके लिए जैसे दिल्ली में हम देखें तो सरकार ने लोगों को फ्री में ऑक्सीमीटर भी दिए हैं और बहुत जगह लोग प्रिकॉशनरी भी ऑक्सीमीटर अपने पास रख रहे हैं, तो इसका क्या फंक्शन है और हम इसके लेवल्स क्या है, किस तरीके से हमें यूज करना चाहिए इसे? देखिए, सबसे पहले तो मैं बात आपकी बिल्कुल सही है लेकिन एक छोटी सी गलतफहमी दूर करना चाहूंगा कि कोरोना के अधिकतर मरीजों में ऑक्सीजन सैचुरेशन कम नहीं होता है, यही इसका मेन क्राइटेरिया है जिसमें हम बीमारी को बांटते हैं कि कौन ज्यादा बीमार है, माइल्ड सीवियर डिजीज, मॉडरेट डिजीज और माइल्ड डिजीज, जैसे तीन कैटेगरीज में बांटा जाता है। उसके कुछ और क्राइटेरियाज भी हैं परंतु क्योंकि आपने सैचुरेशन का पूछा है, ऑक्सीजन सैचुरेशन, तो हम उस पर ही गौर करेंगे। तो जैसा बताया गया आपसे, आपके द्वारा, कि पल्स ऑक्सीमीटर एक छोटा सा यंत्र है जो कई शहरों में, दिल्ली में जैसे आपने बताया, मरीजों को मिल रहा है जो पॉजिटिव हो रहे हैं, खुद से भी लोग खरीद रहे हैं, वो ये बता देता है कि हमारे जो रक्त है, हमारे जो खून है, उसमें ऑक्सीजन की मात्रा उचित है कि नहीं, क्योंकि ये फेफड़ों की बीमारी है प्राइमरीली, और दूसरे अंगों को भी ये असर करता है परंतु प्राइमरीली फेफड़ों की बीमारी है, और अगर ज्यादा बीमारी हो तो जो ऑक्सीजन यानी जो शुद्ध हवा है उसको फेफड़ों के अंदर और हमारे खून में पहुंचने की मात्रा धीरे धीरे कम होने लगती है और ये पल्स ऑक्सीमीटर वही हमें बताता है। तो इसका जो क्राइटेरिया ये है कि अगर 90 से नीचे आ रहा है तो जाहिर है हमारे पेशेंट जो हैं कोरोना के वो बहुत बीमार हैं और उनको सीवियर कैटेगरी में डालते हुए अस्पताल पहुंचना है फौरन, और उसके बीच में जो मॉडरेट वाला है वो है 94 एंड बिलो, अगर परसेंटेज में ये माना जाता है ऑक्सीजन सैचुरेशन, अगर 94 से नीचे, 90 से नीचे है तो सीवियर यानी बहुत ज्यादा बीमारी, बीच वाले बीमारी के स्टेज के लिए मॉडरेट के लिए 94 से 90 के बीच में, और 95 एवं उससे ऊपर है तो ये माइल्ड कोरोना कहलाता है, और ऐसे पेशेंट को घबराना नहीं है, अपने सैचुरेशन पे नजर रखते रहना है, और ये एक क्राइटेरिया है ऑक्सीजन सैचुरेशन बीमारी को ट्राइज करने का, बीमारी को बांटने का अलग अलग हिस्सों में। अच्छा डॉक्टर तन्मय, आपने जैसा कि बोला कि इट्स प्राइमरीली एक रेस्पिरेटरी डिजीज है, और आज अगर हम इसकी बहुत सारी रिपोर्ट्स को, जैसा कि एक नई रिपोर्ट में कहा गया है कि इसमें लंग्स के अलावा क्या दूसरे ऑर्गन्स भी इन्फेक्ट हो सकते हैं जी, इसके बारे में आपकी राय? जी देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि मोस्टली अपर रेस्पिरेटरी यानी ऊपर वाला जो सांस का हिस्सा है, हमारा गला, हमारा नाक, वहां पे असर करता है। एक छोटा सा वायरस, ये जो विषाणु है वायरस कोरोना, ये हमारे सांस की नली से या कई बार मुंह से या आंख से, मेरी आवाज आप तक पहुंच जी, बिल्कुल बिल्कुल आ रही जी, जी जी जी, ये पहुंचते हुए हमारे गले तक पहुंचती है, गले में ये वायरस की एक खासियत है कि ये खुद से प्रजनन नहीं कर सकती, रिप्रोड्यूस नहीं कर सकती, उसको हमारे सेल की अर्थात कोशिकाओं की आवश्यकता होती है। तो वो ये करता है कि उसके जो बाहर की जो परत है, जिसे हम लोग एनवलप बोलते हैं, उसमें छोटे छोटे स्पाइक प्रोटीन होते हैं, अगर आम भाषा में बोले तो चाबी जैसा कुछ होता है जो ढूंढता रहता है ताले को। अब ये ताला होता कहाँ है? हमारे जो सांस की नली में जो सेल्स हैं, जो कोशिकाएं हैं, उनके बाहर रिसेप्टर्स होते हैं जहां जाके ये चिपक जाते हैं और ये हमारे सेल के, कोशिकाओं के अंदर आ जाते हैं और उसको ले लेते हैं, और फिर वो धीरे धीरे उसमें प्रजनन करके बाहर आके गले से होते हुए, सांस की नलियों से होते हुए, सांस के अंदर फेफड़ों में एक पतली सी परत होती है जहां पे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान होता है। इसी तरह ये फेफड़ों में जब इन्फ्लेमेशन यानी सूजन होने लगती है, निमोनिया होता है, और बाद में ARDS अर्थात लंग की फेलियर जिसे हम लोग कहते हैं वो होना शुरू होता है। परंतु आपका सवाल स्पेसिफिकली ये था कि फेफड़ों के अलावा और कहाँ कहाँ ये हो रहा है। देखिए, ऐसा होता है कि जब कोरोना ज्यादा हमारी जो बीमारी से लड़ने की शक्ति है, जो हमारा इम्यून रिस्पॉन्स है, जिसे रोग प्रतिरोधक क्षमता है, वो जब
एक अलग ही तरीके से एबरेंटली बिहेव करती है, तो वो इन्फ्लेमेशन जिसे हमारी भाषा में साइटोकाइन स्टॉर्म कहते हैं, जब वो हो जाता है तो शरीर के कई अंगों में उसका असर होता है, जैसे हृदय में उसका असर होने लगता है, हमारे नर्वस सिस्टम में असर होने लगता है, किडनी पे असर होने लगता है, किडनी फेलियर होना कई लोगों में होता है, और उससे भी ज्यादा एक होता है कि जो हमारा कोगुलेशन है, अर्थात जो खून को रोकने की, खून के बहाव को रोकने की जो हमारा सिस्टम है कोगुलेशन सिस्टम, उस पर असर डालता है और कई छोटी छोटी खून की नलियां जो हैं वो अटक जाती हैं और उससे भी कई बीमारी हो सकती है, उससे भी कई कॉन्सिक्वेंसेस उसके नुकसान हो सकते हैं। जी डॉक्टर तन्मय, और इस बीच हमारे एक और श्रोता हमसे जुड़ गए हैं, हम रुख करेंगे बड़ौद से महेश शर्मा जी का। हेलो महेश जी, नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है, अपना सवाल पूछिए। नमस्कार जी। जी नमस्कार, मैं मालूम करना चाह रहा जी, कोरोना हो में कितने समय तक रह सकता है, और चश्मा हमें सावधानी देगा या नहीं? जी डॉक्टर साहब, जैसा कि बात हम कर रहे थे कि मुंह से, नाक से और आंख से भी इसका संक्रमण हो सकता है, तो एक तो ये है कि अगर आंखों पे हमने चश्मा लगाया हुआ है तो इससे संक्रमण की मतलब से कितना बचाव हो सकता है, तो इसके बारे में कुछ बताइए। देखिए बहुत अच्छा सवाल इन्होंने पूछा। देखिए हमारे अस्पताल के सेटिंग्स में जो लोग मरीज के समक्ष आते हैं जी, उनको कई बार गॉगल्स या फिर फेस शील्ड पहनने की राय दी जाती है, क्योंकि जैसा हम कहते हैं कि आंखों से भी अंदर जा सकता है। जहां तक चश्मे का सवाल है, जाहिर है फ्रंट में तो वो जरूर प्रोटेक्शन देगा, लेकिन ऊपर से और नीचे से कवरिंग नहीं है, इसलिए डायरेक्टली पूरा प्रोटेक्शन नहीं दे पाएगा। लेकिन मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि आमतौर पर अगर हम ये दूरी बनाए रखें 2 गज की जी, तो हमारे सामने वाला अगर छींक भी रहा है और मास्क पहना है और आपने भी मास्क पहना है, तो वो सांस की नली तक पहुंच नहीं पाएगा। परंतु अगर आपको भीड़भाड़ वाले इलाके में जाना है और आप अपने आईज को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, तो ऐसे गॉगल्स पहन सकते हैं जो पूरे उसको कवर करें। परंतु मेरी दूसरी चीजों में आपकी फिर से मैं बार बार अनुरोध करूंगा सभी श्रोताओं से कि हैंड हाइजीन, बार बार हाथ धोने की प्रक्रिया, फिजिकल डिस्टेंसिंग अर्थात सामाजिक दूरी बनाए रखने की प्रक्रिया, और सबसे जरूरी अपने मुंह को ढकना, हर किसी को मुंह को अपना ढकना, चाहे वो गमछा से ढके, तौलिए से ढके, घर के बनाए हुए कपड़े के मास्क से ढके, या फिर सरकारी जो हमारे सर्जिकल ट्रिपल लेयर मास्क जिसे हम कहते हैं नीले या हरे रंग का जो दिखता है, उससे अपने मुंह को ढके, अवश्य ढके। जी और अब हम रुख करते हैं मंडी हिमाचल प्रदेश का, जहां से हमारे साथ जुड़ चुके हैं नागेंद नेगी जी। हेलो नागेंद जी नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नमस्कार सर, हिमाचल प्रदेश के सरकाघाट मंडी से नागेंद्र सिंह नेगी बोल रहा हूं। मेरा सर ये सवाल है कि जैसे शुरू में हम कोविड का जब शुरू हुआ था तो अनुशासन दहशत धीरे धीरे वो डर में बदल गया, और अब जो है वो टीबी पे तो बहुत ज्यादा पेशेंट की तादाद बढ़ रही है, लेकिन लोगों में वो आम जीवन की तरफ बढ़ रहे हैं जी, वो गाड़ियां भी चलना शुरू होगी, वो लोगों में वो डर भी नहीं रहा, वो भय नहीं रहा, तो लोग तो ऐसी परिस्थितियों में क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, या हमें भी आम आदमी की तरह ही अब रहना पड़ेगा कोविड के साथ? जी जी डॉक्टर तन्मय, देखिए वही सारी जो सावधानियां बार बार बता रहे हैं, मैं चाहता हूं कि एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए, क्योंकि इसके बारे में बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं। नहीं, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि डर के साथ कोविड के साथ जीने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता है जी, क्योंकि कोविड से लगभग सभी लोग बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। इनफैक्ट ये आंकड़े भी आए हैं कि जो हमारे बुजुर्ग लोग हैं जो 60 साल से ज्यादा उम्र वाले हैं, वो देश के सिर्फ 10% जनसंख्या रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि 50 से 55% मौतें इसी ग्रुप में हुई है। तो जाहिर है हमें अपने बुजुर्गों को बचाए रखना है, उनको ज्यादा से ज्यादा घर में रहना है और उनकी मदद करनी है, ये हमारा सामाजिक दायित्व है कि उनके रिश्तेदार, उनके परिवार वाले, उनके पड़ोसी उनकी मदद करें। लेकिन अगर हम आम जनता की बात करें, बाकियों की बात करें, तो जाहिर है साधारण जिंदगी में हमें वापस जाना है, अपने काम भी करने हैं, परंतु नियम का पालन करते हुए, और वो नियम क्या है हम बार बार बोल चुके हैं, भीड़भाड़ वालों इलाकों में ना जाएं, आवश्यकता ना हो तो, जब भी जाएं मास्क पहने, मुंह को ढकें, अगर आपको कोई बीमारी है या आपको कुछ भी सिम्टम्स हैं तो प्लीज दूर रहें, खुद से बाहर ना निकले, फिर से अपनी जिम्मेदारी निभाइए, खुद सिम्टोमेटिक हैं, आपको कोई लक्षण है प्लीज उस समय बाहर ना निकलें, और इसके अलावा हैंड हाइजीन, देखिए बाहर चलते वक्त
सैनिटाइजर्स की बात की जाती है 20 सेकंड अच्छे से हाथ धोने की, परंतु अगर हम घर में हैं या हमारे पास साबुन पानी की सुविधा है तो उससे अच्छा कुछ नहीं। 40 सेकंड साबुन पानी से अच्छे से अपने हाथ को धोएं, जिसका तरीका कई बार अलग अलग चैनल्स पे बताया जा चुका है, उससे अपने हाथ को धोते रहें और थोड़ी दूरी बनाए रखें सबसे। जी, और इस बीच हम रुख करते हैं हिसार का, जहां से हमारे साथ जुड़ चुके हैं राजेंद्र जी। जी, अभी राजेंद्र जी हमारे साथ जुड़ेंगे। डॉक्टर साहब, इस बात एक चर्चा आपसे और करना चाहेंगे कि एक अच्छी खबर ये भी है कि बिहार में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स पटना ने 10 लोगों पर कोरोना वायरस वैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल शुरू किया है, और अस्पताल के अधिकारियों ने कई लोगों को ट्रायल का प्रस्ताव दिया था, लेकिन इस प्रक्रिया के लिए स्वेच्छा से तैयार हुए 10 लोगों का चयन किया गया। वैक्सीन की पहली खुराक इन लोगों को दी गई और 14 दिन के बाद दूसरी खुराक दी जाएगी। और डॉक्टर, जो वैक्सीन जिन लोगों ने पे ट्रायल किया गया है, उन पे जो है अपनी नजर भी बनाए हुए हैं कि किस तरह का रिस्पॉन्स आता है, तो वैक्सीन बनाने की कितनी लंबी यात्रा है, किस तरह से आप देखते हैं इसे? देखिए, ये जानना आवश्यक है कि वैक्सीन तो एक ना एक दिन जरूर बनेगी, उसमें कोई दो राय नहीं है। 120 से अधिक वैक्सीन्स की ऊपर ट्रायल्स, जैसा आपने बताया, चल रहा है। इनफैक्ट हमारे देश में भी दो मेन ट्रायल्स के बारे में आजकल बात हो रही है। एक तो आईसीएमआर द्वारा स्वयं उनकी मदद से हो रहा है, तो वैक्सीन समय आने से जरूर बनेगी। परंतु एक बात मैं बताना चाहूंगा, कई बार वैक्सीन आने में थोड़ा समय लग जाता है, क्योंकि वो जांच की कई प्रक्रियाएं होती हैं, कई फेजेज होते हैं। जैसे शुरू में प्री क्लिनिकल ट्रायल्स होता है, जो जानवरों में या सेल्स में, कोशिकाओं में होता है। उसके बाद जब इंसान में ट्रायल होता है, सबसे पहले ये देखना होता है कि इससे कोई नुकसान तो नहीं हो रहा, सेफ्टी ट्रायल फेज वन जिसे बोला जाता है। उसके बाद फेज टू और फेज थ्री ट्रायल्स में ये देखा जाता है कि इसकी क्या डोज होगी, इस पे शरीर का क्या असर होगा, लोगों को फायदा हो रहा है कि नहीं। थोड़ी सी लंबी प्रक्रिया है, हमें थोड़ा सा इंतजार करना है, परंतु विश्वास रखें अवश्य कुछ ना कुछ अच्छा आने वाला है वैक्सीन के रूप में। कहीं से भी आ सकता है, एक से ज्यादा वैक्सीन सफल हो सकते हैं, उम्मीद करते हैं ऐसा जरूर हो, परंतु थोड़ा सा इसमें धीरज धरना होगा। बिल्कुल। और चलते चलते आखिरी सवाल हम ले लेते हैं, हमारे श्रोता राहुल हैं दिल्ली से, उन्होंने कॉल किया है। राहुल जी नमस्कार, जल्दी से अपना सवाल पूछिए, समय कम है। सर, मेरा सवाल है, कोरोना जो फैलता कैसे बीमारी? जी डॉक्टर साहब, इसका जवाब जो है डॉक्टर साहब बहुत बार दे चुके हैं, तो अब हम चाहते हैं कि इसी के साथ कंक्लूड भी कर दें डॉक्टर साहब। जी जी जी, देखिए जैसा हम बता चुके हैं, एक तो हवा से जो फैलता है जिसे ड्रॉपलेट्स कहते हैं, परंतु एक चीज की बात कम हुई है, जिससे कम मात्रा में फैलता है, वरना परंतु फैलता जरूर है, जिसे हम लोग फोमाइट्स कहते हैं। जैसे हमने खांसा या छींका और किसी सतह पे वो गिर गया, फिर हमने उसको छू के नाक मुंह या आंख में हमने छू लिया, इसीलिए तो हम कहते हैं कि बार बार हाथ धोते रहें। परंतु आखिर में मैं सबको ये एक जरूर निवेदन करूंगा कि ये जो कोरोना के मरीजों के साथ भेदभाव थोड़ा सा, उसमें हमें थोड़ा उससे बचना है, साथ देना है, मदद करना है। और जो ठीक हो गए हैं वो बिल्कुल नॉर्मल है जी, उनके साथ तो बिल्कुल भेदभाव नहीं करना। उसी तरह हम डॉक्टर्स और जो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं जो कोविड में लगे हुए हैं, उनको जरूर थोड़ा सा समर्थन अगर और ज्यादा मिले तो जरूर जोश बढ़ जाता है। और आखिर में इधर उधर थूके नहीं, ये एक अच्छी आदत हमें लेनी होगी कि हम यहाँ वहां से थूके नहीं, गलत जगह से थूकने की आदत अब हमें छोड़नी पड़ेगी, और बगैर डॉक्टर की सलाह से दवाई ना लें। ये कुछ चीजों का मैं अनुरोध करूंगा कि हमारे श्रोता ध्यान रखें। बिल्कुल डॉक्टर तन्मय, आप भी कोरोना वॉरियर की तरह से इस जंग में लगे हुए हैं, और आज आपने कोविड 19 के इस विशेष कार्यक्रम से आप जुड़े और आपने हमारे श्रोताओं के प्रश्नों का उत्तर दिया, हमसे चर्चा की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। आप सबका बहुत धन्यवाद। श्रोताओं, आज के अंक में बस इतना ही, चलते चलते आपसे यही कहेंगे कि पहुंचते हैं मंजिल तक जो चलना जानते हैं, पहुंचते हैं मंजिल तक जो चलना जानते हैं, चमकते हैं वही तारे जो जलना जानते हैं, फतह करते हैं हर मंजिल को वो अपने हौसलों से, जमाने में जो गिरकर भी संभलना जानते हैं। श्रोताओं, आप कोरोना से जंग में अपना हौसला यूं ही बनाए रखिए, और जब भी मेरा ख्याल आए अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। इसी कामना के साथ दीजिए मुझे अनुमति, नमस्कार। कोविड 19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता सिद्धार्थ सिंह। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ थे डॉक्टर तन्मय तालुकदार। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी सुन सकते हैं।
इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं, पता है airnsdtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.com।